Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें पूरे एपिसोड बिल्कुल फ्री। इस घर में मैं किसी को सुखी नहीं रहने दूंगी, एक एक को मारोगे, नहीं छोड़ोगे, नहीं बचोगे तुम। हेलो आजीज। हाँ डैड। तुम दोनों ठीक तो हो ना? अरे मैंने नीलिमा को फोन किया था तो। हाँ डैड, मम्मा सो रही हैं तो उनका फोन साइलेंट पर है। क्या? हाँ, उठाऊं क्या उनको? नहीं नहीं, रहने दे। नीलिमा तो सोई हुई है, फिर उसे कॉल करने पर वो आवाज कैसी? हे भगवान, उनकी जान खतरे में तो नहीं? आई, क्या हुआ तुम्हें? अरे कुछ नहीं रे, सर में दर्द हो रहा है। अरे पर ऐसे कैसे तुम्हें दर्द हो रहा है? अरे वो वकील भाऊजी की खबर सुनने के बाद कुछ समझ ही नहीं आ रहा मैं क्या करूं। ऊपर से वो सुशल्या, उसने गांव में खबर फैला दी कि इन तीनों ने ही मिलकर ये सब कुछ किया है। पता चला मुझे, तुम्हारे बेटे गए थे ना वकील काका के यहाँ। हाँ, उनके साथ जो हुआ ठीक हुआ। अरे ऐसे क्यों कह रही है? भाई है वो तेरे? हाँ भाई तो है, पर भाई की तरह कभी बर्ताव किए? जब भी देखो थोबड़े फूले हुए रहते हैं। ये सब जो हो रहा है ना, उसके जिम्मेदार वही लोग हैं। उठ यहाँ से, उठ, कहा ना मैंने, चल निकल यहाँ से। क्यों, गुस्सा आ गया तुम्हें? तुम्हारे बेटों के लिए कुछ बोला तो? वो कैसा बर्ताव करते दिखता नहीं तुम्हें? हमेशा जमीन जमीन करते रहते हैं, सब हड़पना है उन्हें। दादी देखा गणेश, ये मेरी आई, इनकी जान बसी है उन तीनों में। हाँ, पर तूने कभी बात मानी है? पति के गुजरने के बाद तेरी देखभाल की, पर तूने क्या किया? भाइयों को बाहर मुंह दिखाने के लायक नहीं रखा तूने। दादी आप शांत हो जाइए। अरे घर में क्या चल रहा है और इसका ये रोज का रोना? हाँ मेरा तो रोज का रोना है, पर बाकी के लोग क्या कहते हैं वो तुम्हें दिखता नहीं है। ये सब जो कुछ भी हो रहा है ना, ये सब उनके कर्मों का ही फल है। गणेशा, जगी बहन के साथ कैसा बर्ताव करते, तो बता ही ना कि कैसे भला होगा उनका। सरिता, क्या हुआ? माधव को भूख लगी होगी, उसे फरसान दो, चाय दो। देती हूँ। ये क्या? पोहे बनाती है उनके लिए। वो फरसान खा लेगा। अब ऐसा करके कुछ नहीं मिलेगा, अच्छा खाना बनाकर ही खिलाना होगा। हाँ पर उसे वक्त तो लगेगा ना। 4 घंटे थोड़ी ना लगेंगे, जल्दी बन जाएंगे। अच्छा ठीक है, जल्दी लाना। हाँ। माधव। हाँ? कमरे में अकेला बैठा नहीं जा रहा ना? वैसी बात नहीं है रे, पर अब एक दो दिन नीलिमा और आर्चीज को मिस करूंगा। कभी मैं उनके बिना रहा नहीं हूं ना। आर्चीज का तो मेरे बिना पत्ता नहीं हिलता। बच्चे आंखों के सामने नहीं दिखती तो बुरा लगता है। हाँ। अब मेरा गणेशा घर पर नहीं रहता, बुरा लगता है, पर बच्चों को क्या कहे। हाँ। नहीं जाना चाहिए था उनको। अब वो आर्चीज को कह दे, झपकी आ रही हो तो गाड़ी रोक दे थोड़ी देर, फिर आराम से जा। हाँ बताता हूँ, बाद में फोन करता हूँ उसे। बाद में क्यों? रुक,
मैं ही करता हूँ फोन। अरे थोड़ी देर पहले ही उससे मेरी बात हुई। मैं कर रहा हूँ ना। अरे दत्ता मैं करता हूँ ना बाद में उसको फोन। अरे सुन तो। क्या रे क्या हुआ? लग नहीं रहा है। हाँ तो फिर से लगा कर देख। हाँ मैं जानता हूँ तुझे भी चिंता हो रही है इसलिए यहाँ आके बैठा है। हाँ क्या? हाँ हाँ सही कहा। तो तू लगा के देख। मैं? हाँ नॉट रीचेबल आ रहा है। वही थोड़ी देर के बाद लगाता हूँ। एक बार घर पहुंचने के बाद एक फोन नीलिमा ने किया ना तो फिर जान में जान आ जाएगी। दत्ता बहू दत्ता बहू क्या कर रहे हो? तू बता क्या करूं? वो मुझे क्या पता। तू क्यों आया है अब यहाँ? मैं यहाँ भूल गया। हाँ भूल गया। क्या पांडू तू भी ना। माधव भैया पोहे बनाए खा लीजिए। नहीं नहीं ठीक है। थोड़ा सा खा लीजिए ना। अरे नहीं सुनो। हाँ माधव इतना कह रही है तो खा लेना। चल ठीक है। याद आ गया मुझे पोहे की खुशबू आई थी ना इसलिए मैं आया था। अब खत्म हो गए पोहे। हाँ खत्म हो गए। मैं देता हूँ ना। अरे मैं देती हूँ ना। मैं देता हूँ। अरे नहीं पांडो क्या कर रहा है ये? वो दे रही है ना। दत्ता बहू भड़क गए। दीजिए आप ही दीजिए भाभी देंगे। हाँ लीजिए भैया ले। अरे दत्ता तू ले ना ला। पांडु तुझे चाहिए था ना ये ले ले। हाँ सुनो आप उन्हें दे दो ना। थोड़ी देर पहले खाए थे ना पांडु पोहे मिल गए ना। अब जा जा उधर जाकर बैठ जा। हाँ जा। खाइए ना भैया खाइए। हाँ हाँ माधव जमीन का काम जल्दी करना होगा। मतलब तू भी मुंबई जल्दी जा पाएगा। हाँ भैया एक बात कहूँ हमारे बच्चों का भी जरा विचार कीजिएगा। हाँ मैं भीख मांग रही हूँ आपसे ऐसा सोच लीजिएगा। अरे क्या कह रही है सरिता? वो सिर्फ तुम्हारे बच्चे हैं मेरे कुछ नहीं लगते क्या? वो बात नहीं है पर कभी कभी ऐसा लगता है कि अब बहुत कर ली हमने मेहनत। क्या मिल रहा है इससे हमें? एक जमीन का टुकड़ा भी नहीं। जो टुकड़ा मिला है उसमें खर्चा ज्यादा है मिलता कुछ नहीं है। किस काम की वो जमीन? कैसे गुजारा करेंगे हम? कुछ नहीं हुआ तो अब पुरवा का कॉलेज छुड़ाकर घर पर बिठाऊंगी उसे। अरे क्या कह रही हो सरिता? सही तो कहा है उसने अब नहीं संभाला जाता माधव। हाँ? जितना हो सकता था वो किया कैसे तो भी निभा लिया अब नहीं होता। सरिता दत्ता तुम ऐसा कोई भी फैसला नहीं करोगे। पूर्वा की पढ़ाई जरूर होगी और कुछ लगेगा तो मैं हूं ना मुझे बता। हाँ अरे मेरा जो भी है वो तेरा ही तो है क्या चाहिए तुझे? तेरी जमीन देगा
इतना ही ना? ठीक है, मुझे वैसे भी जमीन का लालच था ही नहीं। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।